पूछ रहे हैं कि कब तक, आप 60 दिन बोले थे सर। थोड़ा देखे चूंकि पॉलिसी वगैरह मामला इस सब चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखें। अब बहुत ज़्यादा नहीं, हमको लगता है कि आपका इस महीने तक में हो जाना चाहिए। रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों ने बहुत आंदोलन किया था, बंधु तिर्की ने ही जाकर उनके आंदोलन को समाप्त करवाया था और एक सहमति पत्र बना था। उसके अनुसार 2 महीने के अंदर यानी कि 60 दिन के अंदर उनकी जो मांगे थी 6 सूत्री वो मान ली जाएगी। आप बोले थे कि 60 दिन और यहाँ 4 महीने। नहीं, लगातार मैं संबंधित विभाग से संपर्क में हूँ और उस पर कार्रवाई चल रही है। हमको लगता है कि बहुत जल्द उस पर सरकार का द्वारा उनका ये इस पर फैसला आ जाएगा। मैं स्वयं उसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। कल भी इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से बात किया हूँ, मुख्यमंत्री से भी लगातार बातचीत हो रही है, उसके बाद में संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत हो रही है। ये बिल्कुल इसमें ये एकदम बिल्कुल सही दिशा में हो रहा है, क्योंकि मैं उन लोगों को उनका अनशन तोड़वाया था, धरना कराया था, इसलिए ये मेरी जिम्मेवारी बनता है। ये बिल्कुल इनको उनके साथ में न्याय होगा उनका साथ। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM। पूछ रहे हैं कि कब तक, आप 60 दिन बोले थे सर। थोड़ा देखे चूंकि पॉलिसी वगैरह मामला इस सब चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखें। अब बहुत ज़्यादा नहीं, हमको लगता है कि आपका इस महीना तक में हो जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि बंधु जी जो है कोरोना का बहाना बना रहे हैं, मंत्री का फॉर्चूनर खरीदा जा रहा है, सब काम हो रहा है, लेकिन हम ही लोग, मैं लोगों को कहूँगा आपके माध्यम से फिजूल की बातें ना करें। हम लोग गंभीरता से इन चीज़ों कर रहे हैं, हम जिम्मेवारी पूर्वक कह रहे हैं कि निश्चित रूप से उनके पक्ष में और उनको न्याय दिलवा कर रहेंगे। क्या आग्रह करना चाहिए? नहीं, धैर्य रखे ना, भरोसा रखे ना। तक आप एक बार, आप तो एक बार समय सीमा को ऐसा ना ही करें, लेकिन धैर्य रखें, उनके हित में ही होगा और उनको निश्चित रूप से न्याय दिला के ही हम रहेंगे। ये तो दूसरी बार हुआ ना, एक बार पहले भी आंदोलन हुआ था तो मिथिलेश ठाकुर खत्म करवाए थे, फिर आप करवाए, फिर भी नहीं। कोई चीज़ें पॉलिसी जैसे मामले में थोड़ा समय लगता है, चीज़ों को आप समझने का वे लोग प्रयास करें, उन्हीं के पक्ष में काम हो रहा है, धैर्य रखें। चलो 6 महीना में हो जाएगा निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRBPO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे अलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRBPO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRBPO 2022 में सिलेक्शन लिया है UP लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in